सांगली शहर के एक 8 वर्षीय बच्चे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की स्तुति में शिव गर्जना प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे, पूर्व मंत्री सुनील केदार तथा गणमान्य 57 नेताओं से सजे मंच तथा हजारों की भीड़ को संबोधित कर समूचे राज्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले 8 वर्षीय अद्वैत चंद्रशेखर धवड़ को 2 साल की उम्र से ही धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने के साथ साथ जमीनी खेल क्रिकेट में भी रुचि रखता है। नागपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अपनी पहचान बना चुके अद्वैत चंद्रशेखर धवड़ से मुलाकात की और चर्चा की तो उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे माता पिता दादा दादी ने मुझे जो कहानियां सुनाई है उसके कारण मैं हमारे धर्म संस्कृति महापुरुषों की वीरता आदि के बारे में जानकर उसका नियमित अध्ययन एवं अभ्यास ही मेरी दिनचर्या है। मुझे इसमें बहुत रुचि है और क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है जिसमें मैं एक विकेट कीपर के रूप में खेल में महारत हासिल करने के लिए हर दिन 3 घंटे अभ्यास करता हूँ। संस्कृति आध्यात्मिकता और साहित्य के बारे में सीखने के अलावा उन्होंने सभी बच्चों को अपनी राय व्यक्त की कि वे भी मोबाइल गेम का मोह त्याग कर आउटडोर खेलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे उनका भौतिक एवं शारीरिक विकास हो। इस अवसर पर शहर के पूर्व नगराध्यक्ष एडवोकेट चंद्रकांत पिसे, युवा सामाजिक कार्यकर्ता मनोज बसवार, उद्योजक राजभाव बड़वाई, प्रकाश पाल पांडे, एडवोकेट भोजराज सोनकुसरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के शहर अध्यक्ष रामभाऊ खाटोड़े, सावने तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर टुंटे ने, संत जगराणी महाराज पद संस्थान के पूर्व अध्यक्ष रमेश खटे, एडवोकेट पूर्व नगर सेवक शफीक सैयद, आनंद गुप्ता, योगेश पाटिल आदि ने पुष्पमालाएं पहनाकर कुमार अद्वैत का स्वागत किया और उनकी उज्जवल भविष्य की सफलता की कामना की। एनबीसीएन भी सभी अभिभावकों से विनती करता है कि आप भी अपने बच्चों में अद्वैत धवर जैसी छिपी प्रभाव को आगे लाने हेतु उन्हें धर्म संस्कृति आध्यात्मिक तथा साहित्य की जानकारी अवश्य दें ताकि आपके बच्चों में छिपी प्रतिभा जन सामान्य तक पहुँचे। हमारे साथ में कुछ दिन पहले नागपुर जिले की सेलिब्रिटी बना हुआ बालक जिसने अपनी शिव गर्जना से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूरे मंच को दहला दिया था कि इतना छोटा सा बच्चा इस प्रकार की शिव गर्जना करते। बेटा आपका नाम क्या है? अद्वैत चंद्रशेखर धवड़। आपकी उम्र कितनी है? 8.5 साल। अभी आपने एक 4 दिन पहले जो एक आयोजन में भव्य आयोजन में इतने सारे लोग सुरक्षा गार्ड पूर्व मंत्री इनके सामने जाके आपने जो शिव गर्जना की इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि अच्छा लगा मुझे, पर जो लोग थे ना वो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। कोई कोई बस के भी थे, कोई कोई पहचान लेते, कुछ कुछ पहचान रहे थे। तो आपको इतने लोगों में जाते हुए भीड़ डर नहीं लगा? नहीं। आपने ये शिव गर्जना और बाकी चीजें जो आप सीख रहे हो ये किससे सीख रहे हो? मम्मी पापा से। मम्मी पापा थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं। कितने साल से आप ये प्रयास कर रहे हैं? 2 साल हो गए। आगे चल के आपका क्या ये रहेगा, आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मैं भाषण दूंगा। भाषण दोगे, यानी नेतागिरी में जाना पक्का है। तो और किसी खेल वगैरह में किस प्रकार की रुचि है आपकी? क्रिकेट। क्रिकेट में तो आप क्रिकेट खेलते हो? क्या करते हो, बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? बैटिंग करता हूँ, विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग कर। इतने छोटे से उम्र में आप पूरे टीवी के ऊपर में पूरे न्यूज़ में आप ही छाए हुए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कार्यक्रम के दूसरे दिन जब आप स्कूल गए तो आपके दोस्तों का आपके साथ में किस प्रकार से व्यवहार रहा? दोस्तों को बस में एक को ही पता चला। हाँ। दूसरे दोस्त ने ना देखा फिर उसे पता चला कि मैं था। अच्छा, आप कर सकते हो। आप कुछ और शिव गर्जना के साथ और कुछ बोल सकते हो? हाँ, बोलिए। ये जो दिन थी उनकी, उस दिन उन्होंने वो छोटे पल में ही उन्होंने बस सीख गया था। अच्छा। कि तलवारबाजी कैसे बनती है। अच्छा, आप छोटे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो मोबाइल में बैठे रहते हैं या दिन भर मोबाइल खेलते रहते हैं? आप तो नहीं खेलते ना मोबाइल? आप, मैं बस कभी कभी खेलता। अच्छा, और जो छोटे बच्चे मोबाइल खेलते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कि उनको थोड़ा भगवान पर भी देना चाहिए। धन्यवाद। इनमें से न्यूज के लिए सावने से संवाददाता छवि राठौड़ के साथ किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।